ये पटना के लोग हैं और जो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी जो बलात्कार और हत्या जिस तरीके से बर्बरता के साथ की गई उसके खिलाफ जो है पटना के डॉक्टर्स और पटना के डॉक्टर्स के साथ साथ आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिला संगठन और विभिन्न जन संगठनों के लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं और इस तरीके से पूरे देश में जो एक माहौल बना हुआ है निर्भया से लेकर के प्रियंका रेड्डी तक और फिर कठुआ जले या फिर उन्नाव, तो ये सारे लोग जो है आज पटना गुस्से में है और पटना जो है पूरी तरह से न्याय की मांग कर रहा है। ये न्याय जो है उन लड़कियों के लिए, उस उन महिलाओं के लिए जिनको इस समाज में जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो नजरिया है और जिस तरीके से बर्बरता की जा रही है उसके खिलाफ, ये देख सकते हैं आप जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये इस तरीके से कि देर नहीं हो न्याय शीघ्र मिले। और ये इस तरीके से लोग जो है वो महिलाएं हैं कतार में। आप लोग क्या है मुद्दा? हम लोग का मुद्दा यही है कि फांसी पे उसको लटका दीजिए और नपुंसक बना दीजिए। यही निर्भया कांड का आज तक कानून नहीं उसका साथ भी लिया है, तो इसका हम लोग क्या सोचे? तो मुद्दा है कि फांसी दिया जाए। नहीं, मुद्दा ये है कि जो हो गया उसको तो सजा मिलनी चाहिए, आगे ये घटना कभी दोहरानी नहीं चाहिए, ये घटना कभी नहीं हो। ये घटनाएं बार बार दोहराई जा रही है, उसके खिलाफ भी गुस्सा है। डॉक्टर निर्मला शाह हमारे साथ हैं। ये मुद्दा जो है क्या है? ये मुद्दा है कि एक पढ़ी लिखे या कोई भी लड़कियों को गैंग रेप करके उसको मार दिया जाता है। गैंग रेप ही जघन्य अपराध है, उसके बाद उसको जिंदा जला दिया जाता है, ये बहुत ही जघन्य अपराध है, इसकी सजा कठोर से कठोर होनी चाहिए। तो मूल बात ये है कि आखिर कौन देगा न्याय और कौन लड़ेगा इसके लिए? तो अब पटना की औरतें, पटना के डॉक्टर्स, पटना के वकील, ये सारे लोग उतर आए हैं सड़कों पर और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर प्रियंका रेड्डी तक ही विराम लगेगा या प्रियंका रेड्डी दोहराई जाती रहेगी। इस भीड़ का गुस्सा ये है, इस जुलूस का गुस्सा ये है कि अब और नहीं, अब और नहीं। कैमरा पर्सन सप्त ऋषि के साथ पटना से स्वराज एक्सप्रेस के लिए नवेंदू।